प्रगति के पथ पर हरियाणा का अन्नदाता। फूल रत्न से सम्मानित किसान बना हरियाणा की शान। नई तकनीक को अपनाया, दूसरों को भी समझाया। लाखों किसानों के लिए उदाहरण बना प्रगतिशील किसान। एक समय था जब खेती को घाटे का सौदा कहा जाता था। खर्चा और लागत ज्यादा थी और मुनाफा बेहद कम। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया। किसानों को आर्थिक तौर पर मदद भी की गई तो उन्हें खेती की नई तकनीक से भी जागरूक करवाया। धीरे धीरे किसान प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हुए और अपनी आय को भी दोगुना किया। आज के समय में न सिर्फ खेती मुनाफे का सौदा है बल्कि एक बिजनेस के विकल्प के तौर पर भी उभरा है। अब किसान ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग भी खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं और अपनी आय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यमुनानगर के एक गांव करेड़ा खुर्द के रहने वाले कृष्ण लाल पेशे से एक डॉक्टर हैं, जो अपने ही गांव में क्लिनिक चलाते हैं। उनके दो बेटे हैं, एक ने यमुनानगर शहर में निजी अस्पताल खोल रखा है तो दूसरे लड़के ब्रजेश ने बीटेक की पढ़ाई करके साल 2016 में पॉली हाउस की खेती करके अपनी किस्मत आजमाई। इसमें उसे पहली बार में ही अच्छा मुनाफा मिल गया और धीरे धीरे ही खेती करने का स्टाइल भी बदल गया। फूलों की खेती और अमरूद लगाकर ब्रजेश ने आधुनिक तकनीक से खेती करनी शुरू कर दी, जिसमें संरक्षित खेती से ज्यादा मुनाफा होने लगा। आज ब्रजेश ने 4 एकड़ के अंदर फूलों के अलग अलग किस्मों की खेती कर रखी है। 1 एकड़ में अमरूद का बाग लगाकर लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। पिता पुत्र की ये जोड़ी आज प्रगतिशील किसान के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी है। मैं पहले दूसरी खेती करता था, जैसे गेहूं, जीरी। तो मुझे किसी एक ने कहा कि आप जो है ना इसको बदलो। और सबसे ज़्यादा सहयोग जो है इसमें मेरे छोटे बेटे ब्रजेश जी का है, और उसमें जो है खीरे की खेती की। खीरा भी हमारे कम पहले साल में हमारा 8 लाख रुपए का निकला। दूसरी बार फिर खीरा लगाया, वो तब भी हमारा 7 लाख का निकला। उसके बाद जो है फिर ये कहने लगा, पापा जी मैं तो फूलों को पराता हूँ। इसने फिर फूलों को परा गए। इसने पूरी स्टडी करी। इसने पुणे से जो है ना ये अपना गुलाब और जरबेरा जो है बंगलोर से। प्रगतिशील किसान कृष्ण लाल का कहना है कि संरक्षक खेती के अलावा दूसरी खेती करना ज्यादा लाभदायक होता है। जब उन्होंने पॉली हाउस लगाया तो सरकार की तरफ से 60-65% ग्रांट दी गई और फूलों की खेती को लेकर भी उन्होंने कई बार सरकार से सब्सिडी ली है। उसके लिए सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि यदि किसान संरक्षित खेती के अलावा फूलों व अन्य बागवानी की खेती करे तो सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। वहीं उन्होंने बागवानी विभाग का फूलों की खेती में योगदान करने पर पूर्ण सहयोग माना है। उनके पिता गांव में ही डॉक्टरी का काम करते हैं और उनकी समय समय पर सहायता भी करते हैं। ब्रजेश अपनी खेती सूक्ष्म सिंचाई द्वारा करते हैं, जिसमें पानी की काफी बचत होती है, और ब्रजेश फूलों को अलग अलग शहरों में बेचने के लिए जाते हैं, जिससे वो अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। उन्होंने ऐसे फूलों के बारे में बताया जिस पर बिजली के बल्ब लगाकर फूल उगाए जाते हैं। शादी के सीजन में फूलों से अच्छी कमाई हो जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से समय समय पर उनको सहायता मिलती रहती है। सरकार का उन्हें भरपूर प्रोत्साहन मिल रहा है। सरकार की तरफ से कृष्ण लाल को फूल रत्न से भी नवाजा गया है, जिसमें 1 लाख का चेक भी उनको दिया गया। 2016 के अंदर 15 के अंदर हमने ये सोचा कि इस खेती को
आप बदल कर देखते हैं। हमने इसको सबसे पहले एक पोली हाउस का हमने स्टडी किया मॉडल, पोली हाउस का मॉडल स्टडी किया, तो उसके बाद हमने ये देखा कि इसके अंदर हम एक एकड़ से 10 से 15 लाख रुपए की मिनिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। तो 15 लाख रुपए की आउटपुट का मतलब है कि अगर मैं इसको परसेंटेज के हिसाब से भी लेके चलूं तो 70 से 80 हजार रुपए पर मंथ की इनकम हम एक पोली हाउस से निकाल सकते हैं। तो उस मॉडल को स्टडी करने के बाद 2015-16 के अंदर हमने इस पोली हाउस को इंस्टॉल किया। उसके अंदर हमने खीरा लगाया, खीरे में हमें अच्छा बेनिफिट हुआ। फिर उसके बाद जो खीरा का बेनिफिट हुआ, उसके बाद एक बार फिर खीरा लगाया, उसमें भी अच्छा बेनिफिट हुआ। फिर हमने एक पोली हाउस और लगाया, उसमें भी पहली बार दूसरी बार खीरा ही किया। एक्चुअल में मेरी बैकग्राउंड एक बिजनेसमैन की है, बिजनेसमैन के हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि मेरी प्रोडक्शन, एक बार मैंने कोई पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो रोज मेरा मटेरियल जाना चाहिए, रोज मेरे पास पैसा आना चाहिए, रोज का सिस्टम डेवलप होना चाहिए जैसे एक फैक्ट्री का सिस्टम होता है। क्योंकि मैंने इसको एक किसानी की तरह से लिया नहीं, मैंने एक बिजनेस मॉडल तैयार किया इसका। तो हम फूल पर आ गए, फूल हमने सबसे पहले गुलाब लगाया एक एकड़ के अंदर, फिर आधे एकड़ के अंदर गुलाब लगाया, फिर जरबेरा लगाया एक एकड़ के अंदर, फिर आधे एकड़ के अंदर फिर जरबेरा लगाया। अब मेरे पास 1.5 एकड़ गुलाब है और 1 एकड़ ओपन के अंदर है और 1.5 एकड़ मेरे पास जरबेरा है। फिर जैसे हमारे पास एक लैंड ये पड़ी थी यहाँ पर, यहाँ अमरूद लगाया हमने। अमरूद क्यों लगाया, ये मैं जैसे मैंने आपको बताया कि एक आड़ी तिरछी लैंड थी, इसका जो स्ट्रक्चर है ना बिल्कुल स्क्वेयर नहीं है, यहाँ पोली हाउस नहीं लग सकता, ना यहाँ हम गेहूँ जीरी कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि बीच में साइड में लैंड थी, गेहूँ जीरी हो नहीं सकती थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे अमरूद लगाया। अब अमरूद के अंदर भी हम 1.5 से 2 लाख रुपये की आउटपुट साल की ले रहे हैं। अमरूद एक बार लगाया, उसके बाद आउटपुट इसकी 15 साल चलेगी। और हमने ओपन के अंदर 1 एकड़ का गुलाब लगा रखा है। तो हमने एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार किया है कि कभी कहीं से कोई पैसा ना आ रहा हो तो ये अमरूद दे दे, ओपन गुलाब दे दे। हमने ये किस तरह का मॉडल तैयार किया है, तो हम यहाँ पे जितनी हमारी लैंड है हम 5-6 एकड़ के अंदर हमने सारा सिस्टम सेट कर दिया। तो अब फसल अच्छी है, पिछले साल कोरोना की मार के बावजूद भी हमने पैसा कमाया। इस साल जैसे कोरोना की मार पड़ी, अब तक पैसा इतना नहीं कमाया इस साल के अंदर, लेकिन फिर भी हमने पैसा गवाया भी नहीं। 2 महीने हमें दिक्कत रही, उसके बाद फिर हमारा ठीक से चल पड़ा। बाकी काम अच्छा है ये। इसके अंदर मैं यही कहूँगा कि किसान के पास, जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, वो कम से कम 1 से 2 एकड़ को डाइवर्सिफाई करें। जब आप किसी काम को दूसरे काम से हटके करेंगे, आपका इंटरेस्ट भी ज़्यादा पैदा होगा, और जब उसके अंदर से इनकम निकल के आती है तो आपका इंटरेस्ट दुगना पैदा होगा। आजकल लड़के मैं देखता हूँ कि 20-25 हज़ार पे नौकरी करते हैं और अपनी 15-20 एकड़ की ज़मीन ऐसी छोड़ जाते हैं। मैं उनको ये कहना चाहूँगा, 15-20 हज़ार जो कमा रहे हो, यहाँ से आप 2 से 3 लाख रुपये पर मंथ कमा सकते हो। तो इसलिए आप इस मॉडल की तरफ आएं, ये अपने आप में बहुत अच्छा मॉडल है पोली हाउस का, और सबसे बड़ी बात सरकार बड़ा सहयोग करती है। वही कृष्णलाल ने बताया कि पहले संरक्षित खेती करते थे जिसमें जीरी गन्ना गेहूं लगाते थे, लेकिन उनके छोटे बेटे ब्रजेश ने पोली हाउस लगाकर सबसे पहले खीरे की खेती की, जिसमें अच्छा मुनाफा मिल गया। ब्रजेश ने दूसरे शहरों से फूलों के पौधे मंगवा कर फूलों की खेती शुरू कर दी और आज अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। सब्जियों और फलों का उत्पादन करने के साथ साथ अब क्षेत्र के किसान फूलों की खेती पर अपना भविष्य संवारने में पीछे नहीं हट रहे। प्रगतिशील किसान का कहना है कि जूटे के फूल के साथ साथ वो कई महंगी किस्मों के फूलों की खेती कर आर्थिक दशा को भी सुधार सकते हैं। प्रगतिशील किसान कृष्णलाल और उनके बेटे ब्रजेश आज न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि हजारों युवाओं और लोगों के लिए उदाहरण भी बन चुके हैं। आज वो लाखों में अपना मुनाफा कमा रहे हैं और साथ ही दूसरों को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। शुरुआती तौर पर हमेशा ही कोई नया काम करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और ये साबित कृष्णलाल और उनके बेटे ने कर दिखाया है। आज न सिर्फ वो अपने क्षेत्र में फूलों व अन्य बागवानी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, तो साथ ही उन्हें देखकर दूसरे किसान भी प्राकृतिक खेती और बागवानी की ओर आकर्षित हो रहे हैं।